अस्सलामु अलैकुम। तो कैसे हैं आप सब, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो एंड ऑफ जायका में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं मटन ग्रीन कोरमा। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बिस्मिल्लाह बोल के शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने कुकर रखा है गैस पे, इस पर मैं ऐड कर लूँगी 1/4 किलो गोश्त। फिर हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/2 टीस्पून नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें डालिए, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। हम इसके अंदर पानी ऐड नहीं करेंगे, ये गोश्त के पानी में ही अच्छे से गल जाएगा। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, कुकर का ढक्कन लगा देंगे और इसको जो है हम हाई फ्लेम पर 1 सीटी आने तक पकाएंगे। जब 1 सीटी इसके अंदर आ जाएगी तो हम गैस का जो फ्लेम है वो लो करके इसको आधा घंटा पका लेंगे। यहाँ पर हम कुछ हरे मसाले ले लेंगे। तो यहाँ पर मैंने जो है थोड़े बहुत पुदीने के पत्ते ले लिए, 1 बंच कोथमीर और 6 से 7 हरी मिर्ची, इसको भी हम अच्छे से पीस लेंगे। फिर यहाँ पर मैंने मिक्सर लिया, इसमें मैंने ऐड किया 200 ग्राम दही। फिर इसके अंदर ऐड कर लेंगे 2 टीस्पून मलाई, ये घर की फ्रेश मलाई है, ये ऐड कर लेंगे और इसको जो है अच्छे से पेस्ट बना के इसको पीस लेंगे। तो यहाँ पर मैंने गैस पे एक बर्तन रखा, इसमें मैं ऐड कर लूँगी 2 से 2.5 बड़े चम्मच तेल के और इसको अच्छे से गरम कर लेंगे। तो तेल हमारा गरम हो चुका, इसमें ऐड कर लेंगे 1 बादियानी फूल, 3 लौंग, 4 छोटी इलायची और 2 से 3 तेज़पत्ते। फिर ऐड कर लेंगे 1 टीस्पून शाहजीरा और इसको अच्छे से भून लेंगे ताकि इसका जो फ्लेवर है वो सब तेल में आ जाए। तो इसका फ्लेवर जो है तेल में आ चुका है। अब हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे 1 प्याज है जिसको मैंने चॉप कर लिया है और इसको प्याज डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और प्याज को जो हम पिंक होने तक फ्राई कर लेंगे। तो हमारा प्याज जो है वो अच्छे से पिंक हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे हमारा मटन जो हमने बॉईल करके रखा था। मटन डालकर हम इसको जो अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसको 1-2 मिनट के लिए भून लेंगे। फिर हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको जो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम इसके अंदर जो है एक एक करके मसाले डालते जाएंगे और इसको अच्छे से भूनते जाएंगे। तो हमारा अदरक लहसुन जो अच्छे से भुना जा चुका है। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे दही और मैगी, इसके अंदर ये ऐड कर लेंगे तो हम इसका जो गैस का जो फ्लेम है वो लो रखेंगे क्योंकि इसके अंदर जो है दही है और दही जो फटती है, तो इसलिए लो करके अच्छे से जल्दी जल्दी मिक्स कर। तो यहाँ पर जो हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिए, अब हम जो है गैस का जो फ्लेम है वो हाई कर लेंगे और हमारा दही का जो पानी है उसको सूखने तक इसको पका लेंगे। तो यहाँ पर दही का जो पानी है वो अच्छे से सूख चुका है। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे 2 टीस्पून खोपरे का बुरादा, इसको जो हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर ऐड कर लेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और ऐड कर लेंगे 1/2 टीस्पून अखा धनिया पाउडर और 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, ये दोनों को मैंने दरदरा सा पीस लिया था। उसके बाद हम इसमें ऐड कर लेंगे 1 टीस्पून धनिया पाउडर, ये जो है पाउडर है, बारीक पाउडर है, वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। और 1 प्याज है जिसको मैंने ब्राउन होने तक फ्राई कर लिया था और इसको मैंने दरदरा सा पीस लिया है, वो भी इसके अंदर ऐड कर लेंगे और ये सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और भून लेंगे। तो यहाँ पर हमारा मसाला जो भुना जा चुका है, अब हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे ये पेस्ट जो हमने हरी मिर्ची कोथमीर और पुदीना पीस के रखा था, वो पेस्ट इसके अंदर ऐड कर लेंगे और इसको जो हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको भी भून लेंगे। जब तक हमारा तेल ऊपर नहीं आ जाता तब तक हम सारे मसालों को अच्छी तरह से भून लेंगे। 10 से 15 काजू थे जिसको मैंने पानी में, गरम पानी में अच्छे से भिगा लिया था और उसको जो मैंने पीस के पेस्ट बना लिया था साइड में, वो हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और भून लेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो तेल है वो भी अच्छे से ऊपर आ चुका है। अब हम इसके अंदर जो है गर्म पानी ऐड कर लेंगे अपने ग्रेवी के हिसाब से, पर मैंने यहाँ पर जो है 1/2 गिलास पानी ऐड किया है इसके अंदर, क्योंकि ग्रेवी जितनी ठीक हो उतनी ही अच्छी लगती है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और पका लेंगे।
तो यहाँ पे हमारा जो सालन है वो अच्छे से पक चुका है, देख सकते हैं इसमें जोश भी आ गया है। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे कस्तूरी मेथी, इसको हाथों से क्रश करके। फिर ऐड कर लेंगे कोथमीर, इसके साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर। इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसको जो ढक्कन ढक कर 1 मिनट के लिए पका लेंगे। तो यहाँ पे हमारा 1 मिनट हो चुका है, हमारा जो कोरमा है वो रेडी है। अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। तो तैयार है हमारा मटन ग्रीन कोरमा, देख सकते हैं आप कितना मज़ेदार बन के तैयार हुआ है। तो आप लोग भी रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करना, मुझे फीडबैक देना कि आपको रेसिपी कैसी लगती है। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।